हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जी हाँ, हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आप सभी को मैं बताने वाला हूं, हरियाणा सरकार ने उन बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए से ज़्यादा देने की घोषणा कर दी है जो बीपीएल परिवार इसके लिए पात्र है। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र, जी हाँ, फैमिली आईडी के आधार में हरियाणा में जो बीपीएल राशन कार्ड की क्रांति लेके आई थी, और तकरीबन हम बात करें तो पूरे हरियाणा में 40 लाख परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं। फिलहाल की बात करें तो भाई आपको मैं बता दूं, अब हरियाणा सरकार मकान जो है बनाने के लिए, मकान मरम्मत के जो फॉर्म है तो वो तो निकले ही हुए हैं, उसी के साथ साथ मकान बनाने के लिए आपको 1 लाख से 1,50,000 रुपये देने वाली है। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने तकरीबन 2 लाख परिवारों को चुना है। आपको मैं बता दूँ कि अब इनको क्यों चुना गया है और इनकी जो फैमिली आईडी में है इनकम कितनी है, अगर आपकी भी है तो आपकी भी हो जाएगी मौज और आपको भी मिलने वाले हैं 1 लाख से 1,50,000 रुपए। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूँ, हरियाणा सरकार ने अब मकान जो योजना है, जी हाँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होती है ऐसे ही मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके तहत आपको 1,50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी और 2 लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से नीचे तो है ही, वहीं 50,000 जिनकी भी लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, फैमिली आईडी में जिनकी भी इनकम 50,000 रुपये वेरीफाइड है उन परिवारों को चिन्हित किया गया है। अब उनके बाद भी एक लिस्ट और निकाली जाएगी, तकरीबन हम बात करें तो 1,50,000 ऐसे परिवार रहेंगे जिनको ये सीधी राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि भाई 1.5 लाख के आसपास जो मकान के जो पैसे हैं वो देने हैं, और 2 लाख परिवार अभी फ़िलहाल चिन्हित किए गए हैं, उनमें से भी कुछ परिवार और निकाले जा सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख